तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अश्विन यादव व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग होने वाला है काफी मजेदार, इसको आखिर तक देखना क्योंकि भैया हम लोग जाने वाले हैं भोपाल। भोपाल क्यों जा रहे हैं? सीएम से मुलाकात करने। मतलब आजकल क्या ना, मतलब मेरा वो सीएम पीएम से मीटिंग मेरी चलती रहती है। मतलब आजकल मैं अमीर हो गया हूँ ना, क्यों भाई? ऐसे कुछ बात नहीं गाइस, हमको ऐसे ही बुलाया है। हम तो नल्ले बेरोजगार छपरी इसकी तरह हम भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही जा रहे हैं घूमने फिरने, मजे करने जा रहे हैं। तो अभी वहाँ जाके देखते हैं गाइस क्या सीन होता है। अभी तो हम लोग आए हुए हैं पारुल को लेने। ये पारुल की थार खड़ी नहीं, मतलब यार देखो यार, थार वार ले ली इन लोगों ने यार। अपन कब लेंगे गाइस? आप लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो मेरे को यार। थार, मैं भी एक थार लेना चाहता हूँ, ठीक है गाइस। तो अभी बारुल आने वाली है, बारुल को लेके हम लोग जाएंगे स्टार स्क्वायर और वहाँ से हमको मिलेंगी बस। चार्टर्ड बस में हम लोग बैठेंगे, वहाँ पे सभी लोग आपको और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देखने को मिलेंगे और फिर उनके साथ हम लोग जाएंगे भोपाल, ठीक है। तो गाइस वॉइस क्वीन आ चुकी है हमारी पारुल जी। अरे भैया गेट खोलते, तुमको पता नहीं इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, तुम गेट नहीं खोल रहे हो? हमें खोलना। तो पारुल जी आपकी नई वाली थार में हमको कब बिठा रहे हो? आपने अभी तक दर्शन नहीं कराया। देखो तो मैंने थार चला रखी है, लेकिन परी की तरह बस आप उड़ने वाले हो। टेक ऑफ करने वाले का इसे बढ़िया तरीके से। सर 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 सेल्फी सर सेल्फी सर 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 आप क्या बता रहे थे, क्या खून चल गया आपका? अरे वो उसको भाभी सर जिससे लगा है। क्यों भाई, कितने 2 लाख रुपए आ गए? 2.5 लाख रुपए आए। मैं सर खून चल गया तुम्हारा? मेरा ऑटो में बैठे बैठे खून चल रहा है। तो गाइस पिछले 2 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं हमारी गाड़ी में। पारुल जी जो है बोर हुई है काफी। क्या कहना है आपका पारुल जी, जल्दी नहीं आएंगे? गुस्सा आ रही है, गुस्सा आ रही है गाइस सभी को। और 2 घंटे से टाइम पास बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहाया नहीं हुआ है। और नहाया नहीं क्या, सोया नहीं, बिल्कुल सोया नहीं हुआ है। नींद आ रही है, सच्चाई आ रही है बहुत ज्यादा। इतनी जल्दी खड़ा कर दिया इन लोगों ने, हर बार यही नौटंकी करवाते हैं। जी क्या बोल रहे हो, इतना जल्दी खड़ा कर दिया इन लोगों ने, क्या बोल रहे? असली में ये लोडिया कितने घंटे क्या कर रहा हूँ? ये 3 घंटे बहुत बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए खिलाड़ी हमारे। मुंह देख के लग रहा है तो छत पे से गिरे जा रहा रे। क्या बात है, बस बस खा रहे हो? बस बस गरम करो, गरम जट्टी जी खा रहे। क्या खा रहे आप? मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरे ब्लॉग में थोड़ी वो डाल दो, क्या बोलते हैं उसको, चांद में क्या डालते हैं, चांदनी डालते ना। आवाज नहीं आ रही, मैं बहरी हो गई। गाइस ये बहरे हो गए, क्या खा लिया ऐसा? स्वीट कॉर्न रास्ते में उतार दिया और अब हम बस चेंज करेंगे हमारी। भाई हम पहुंच गए भोपाल, भोपाल पहुंच गए भाई। मेरा पुराना ब्लॉग तो डालो नहीं, नया बना रहा है। ये डालूंगा ना, पुराने में सीएम साहब मिले नहीं थे ना, बेइज्जती हो जाती है, इससे अच्छा नया डालूंगा मैं। अब बस आ रही किरे बादल लाकड़िया साले। बादल अरे उल्टी आ रही थी, गेट पे बिठाओ। उल्टी के बहाने जल्दी अंदर जाने की कोशिश है। चेंज चेंज सा लग रहा है।
भाई अश्विन, यो 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 ब्रो। तो फाइनल गाइस हम लोग आ चुके हैं भोपाल। गाइस मेरे को 2000 रुपए का नोट मिला है बनाया, ठीक है डाल लो उसको। तो फाइनल गाइस हम लोग आ चुके हैं होटल में, और होटल में व्यवस्था रख गई होटल की व्यवस्था, अरे ये भी व्यवस्था है होटल में, सभी प्रकार की व्यवस्था है गाइस। हाँ व्लॉग बनाएंगे। कितना गंदा बैकग्राउंड है बे, मेरे को लगा कुछ अच्छा आएगा, पानी वानी। बहुत ही घटिया बैकग्राउंड है पीछे का तो यार, लेकिन रूम बढ़िया सिस्टम। तो हम लोग खाना खा के आ चुके हैं और अभी जाने वाले हैं मामा जी से मिलने, डिनर करने साथ में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, डरा हुआ भी हूँ, फंबल कर रहा हूँ मैं, देख लो आप। लेकिन ठीक है, जाऊँगा और अपना बेस्ट दूंगा। और मैंने थोड़ी सी शायरी भी लिखी है मामा जी के लिए, अगर मैं बोल पाया तो ज़रूर बोलूँगा, लिखी हुई है मेरे पास, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर बोलूँगा, मैंने तैयार की है, अब देखते मैं बोल पाता हूँ या नहीं। तो फाइनली गाइस हम लोग जा रहे हैं सीएम हाउस और काफी ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग। क्यों भैया? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो? बहुत। नर्वस? कोई नर्वस नहीं। आप हो? क्यों नर्वस, क्यों नहीं हो? वो नहीं है तो मैं क्यों रहूं? वाह भैया, आपके क्या हाल है? मजा आ रहा है। मजा आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास एकदम। तो गाइस हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मेरे को शायरी भी बोलना वहाँ जाके, अगर नहीं बोल पाया तो दिक्कत रहेगी थोड़ी, इसलिए बता दें क्या होता है। तो भाई हम लोग फिलहाल सीएम हाउस में और मामा जी कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। मैंने शायरी प्रिपेयर कर ली है लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को धक धक हो रहा है, अभी देखते हैं कब आते हैं। सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं बढ़िया, तो पता नहीं कितनी देर में आने वाले हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है क्योंकि अगर मेरे को शायरी सुनानी है, अगर मैं शायरी सुना पाया तो ठीक है, शायरी सुना पाया तो ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी, बहुत डर लग रहा है। पूरे भारत में नंबर वन कहलाता, आपने इंदौर ऐसा सजाया है, घर घर जाती सनातन धर्म की कहानियां, आपने महाकाल लोक ऐसा बनाया है, ओंकारेश्वर पे शंकराचार्य की मूर्ति बनने वाली है, धर्म की स्थापना एमपी की धरती करने वाली है, मध्य प्रदेश को पिछड़ा प्रदेश कहकर मारते थे जो ताना है वो जरा गौर से सुन ले, मध्य प्रदेश को कौशल प्रदेश बनाने वाले हमारे सरकार। तो गाइस हमारे सामने हमारे मामा जी हैं, देखिए मेरा फोटो हो चुका है मामा जी के साथ, अब डालूंगा देख लेना। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी, आपको भी। तो भाई इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था, मैंने शायरी भी बोली मामा के सामने, और पहली बार कहीं स्टेज पे, मैंने आज तक कहीं किसी स्टेज पे शायरी नहीं बोली और डायरेक्ट बोली है मामा जी के सामने, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे प्राउड है खुद पे। ये सब हुआ आपकी वजह से, अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। बहुत मज़ा आया भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सभी लोग अपने जल्दी जल्दी गाइस मैं आ चुका हूँ अपने रूम में वापस, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा ये मेरा दिन रहा आज का, और जो मिलने गया वो तो और भी मज़ेदार था। मैंने पूरी जो शायरी लिख के गया था मैं, मतलब मैंने तुरंत शायरी लिखी थी, मतलब 15-20 मिनट में, और तुरंत मैंने जाके रिप्रेजेंट कर दी। हल्का सा मैं एक जगह अटका था लेकिन वो मैं एडिट करूँगा तो काट दूंगा, क्योंकि मैं आपको वो दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा अटक गया था, लेकिन
मामा जी ने देखा बढ़िया तरीके से और उन्होंने ताली बजाई मेरे लिए। और मेरे लिए भाई ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ उस जगह से लोग सीएम के से दूर से भी अगर देख लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और अगर मैं मिल के आया हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है गाइस। मतलब जिन लोग काफ़ी सारे लोगों के लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी सारे लोग इसको पार्टी से रिलेट करेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। वो प्रदेश के मतलब प्रतिनिधि क्या जो बोलते हैं वर्ड होता है, वो मतलब प्रदेश के मेन लीडर होते हैं हमारे स्टेट के, तो वो किसी पार्टी से उसको नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब कि वो मेन लीडर होते हैं हमारे स्टेट के, तो उस तरीके से उसको देखना चाहिए। तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा प्राउड है खुद पे। और प्राउड क्यों है? आपकी वजह से। अगर आप नहीं होते तो शायरी नहीं बना पाता, शायरी नहीं बना पाता तो देख नहीं पाते और यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कल एक और चीज़ होने वाली है, मैं वो आपको मैं ब्लॉग में ही बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया।